ऑफ दीज थिंग्स. नाउ साइबर सिक्योरिटी का हमारे स्कूली लाइफ में क्या रोल है, बुलिंग जो होती है, साइबर बुलिंग होती है, वो क्या होती है, बच्चों के साथ में बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस सेगमेंट में हम लोग आते हैं. व्हाट इज बुलिंग? बुलिंग होता है कि वी फोर्स समवन, वी हर्ट समवन, वी ट्राई टू मेक देम फील वल्नरेबल. अगर आपको कोई वीक लग रहा है और आप उसको हर्ट करने के इंटेंशन से या उसका मजाक उड़ा के उसको इमोशनली बर्डन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बुलिंग, राइट? स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है देखना. इवन इन द कॉर्पोरेट्स ऑल्सो समटाइम्स वी सी सीनियर्स विल टेक दी अ काइंड ऑफ रैगिंग ऑफ जूनियर पीपल, राइट? तो ये चीजों से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दी क्रिटिकलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं अगर समवन इज बुलिंग देम, राइट? सो बुलिंग वी नीड टू स्टॉप. अब साइबर बुलिंग की बात करते हैं. साइबर बुलिंग क्या होता है? अगर आपका कोई चैट है वो वायरल कर दिया, या आपकी इमेज पे या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा ज्यादा लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका मजाक उड़ा दिया जाता है या कमेंट्स किए जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा वल्नरेबल फील करवाया जाता है. अगर डिजिटल वे में या आपकी डिजिटल प्रोफाइल के ऊपर ऐसा कुछ होता है, या आपकी कुछ ऐसी इमेजेस या पर्सनल डेटा लीक कर दिया जाता है जिसकी वजह से आप इमोशनल बर्डन में आ जाते हो, आपको वल्नरेबल फील होता है, हर्ट फील होता है, तो दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग, राइट? यू शुड स्टैंड अगेंस्ट साइबर बुलिंग. वी ऑल शुड स्टैंड अगेंस्ट साइबर बुलिंग. वी शुड स्टॉप इट इन द स्कूल, इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन द ऑफिसेस. सो टीचर्स, आई गेस दिस इज अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हाउ वी कैन कंट्रोल देम, वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर बुलिंग्स. विल सी दीज, आई शेयर द ऑडियो ऑफ द पर्टिकुलर फाइल. आनंद प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर द साउंड ऑफ द वीडियो. आर यू गेटिंग द साउंड? No, no, Shabang. No, I'm not able to hear the sound. ओके, जस्ट अ सेकेंड, वी आर इनेबलिंग द साउंड. I hope now it is audible. Please confirm. As we all know, there are many benefits to using the internet. However, there are plenty of risks and threats too, which we should all learn to be aware of. One of these is cyberbullying. This is a form of bullying that happens online. It involves harming, harassing, threatening, and humiliating a person, usually through social networks, messaging apps, chat rooms, as well as via email and website. Cyberbullying can manifest either directly online or be a continuation of bullying that has taken place in the real and physical world, at school or at a youth club, for example. Wherever it starts, what's clear is that it's increasingly commonplace. Some of the most popular types of cyberbullying include spreading false rumors, posting humiliating photos or videos, and creating fake profiles and websites that can cause distress to the victim. Photo montages and viral memes are also on the rise, and because they can spread quickly across the web, they can be rather difficult to stop. Anyone can be a victim. You, a member of your family, your friends, too. And because of the 24/7 culture of the internet, it can happen anytime, anywhere, and on any platform. Even computer games are not immune to this menace. So, if you think you're being cyberbullied or see something that looks like cyberbullying, do not be afraid to seek help. Speak to your parents and teachers. They can offer you support and advice. Also, be careful not to fall into the trap of being a cyberbully yourself. You might not be aware of it, but a simple post or throwaway comment can be seen as a form of online bullying.
no one likes to be bullied in the real or digital world. The best way to tackle cyberbullying is to spot the signs, report it to an adult, be positive, and show solidarity with victims so that everyone can enjoy safer technology. थैंक यू टीचर्स. सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे साइबर बुलिंग से बच्चे इम्पैक्ट होते हैं. हर स्कूल के अंदर ये चीज़ें होती हैं. कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन से बचाया जाए, उनको अवेयर किया जाए. तो इस पूरी प्रोसेस में टोटल 4 टाइप की प्रोफाइल्स है वो इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट द बुली, the person who is doing the bullying, right? जो बुली कर रहा है. दूसरा होता है victim, जिसके साथ में बुरा हो रहा है. The one who is being bullied, right? The third is bystanders. Bystanders are the people who doesn't support them and also they'll hold back. मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे, आप न्यूट्रल रह रहे हो, उस केस में कुछ भी नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं बाईस्टैंडर्स. एंड लास्ट वन इज अपस्टैंडर्स, वो लोग जो बुलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं. तो टोटल 4 तरह की प्रोफाइल्स है, द बुली, द विक्टिम, द बाईस्टैंडर्स, द अपस्टैंडर्स, राइट. अभी एक टेस्ट केस स्टडी हम लेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक लड़की है, उसके साथ में कुछ एक सिचुएशन हो जाती है एंड उस केस में अगर आप कोई भी चांस लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो वो चारों में से किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. सिनेरियो इज ऑन द स्क्रीन, आप सब पढ़ सकते हो. रिया, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, मतलब रिया जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड है, ड्रॉप्ड हर फोन बाय द ड्रिंकिंग फाउंटेन नियर द स्कूल फुटबॉल फील्ड. उसका फोन गिर गया ड्रिंकिंग फाउंटेन के पास में. नाउ समवन फाउंड इट एंड यूजिंग रियाज फोन सेंड मीन मैसेजेस अबाउट अनुष्का टू अदर मेंबर्स ऑफ द फुटबॉल टीम. उन्होंने मान लीजिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था फुटबॉल टीम का और अनुष्का के बारे में उस रिया के फोन से मीन मैसेजेस भेज दिए गए. यहाँ पे 2 पार्टी इन्वॉल्व है, फर्स्ट रिया जिसका फोन था, सेकंड अनुष्का जिसके बारे में रॉन्ग कमेंट्स किए गए या रॉन्ग मैसेजेस भेजा गया इन द फुटबॉल टीम टू एवरीवन. आफ्टर डूइंग दिस दे पुट द फोन बैक नियर द ड्रिंकिंग फाउंटेन. अब क्या है कि रिया फोन ढूंढते वापस आएगी तो उसे फोन तो मिल गया, बट उससे पहले ये इंसिडेंट हो चुका. Anushka confronted Riya and told her that she was a terrible person for sending such a mean messages. अब Anushka ने जब देखा कि उसके बारे में ऐसे messages भेजे गए हैं तो उसे definitely बुरा लगा और उसने जाके रिया से झगड़ा कर लिया या उससे argument किया कि तुमने ये बहुत गलत किया मेरे बारे में ऐसी चीजें लिख के. रिया ने अनुष्का को समझाने की कोशिश की. रिया ट्राइड टू टेल अनुष्का दैट शी वॉज नॉट द वन हु सेंड द मैसेजेस, बट अनुष्का डिडंट बिलीव क्योंकि उसी के फोन से आए हुए मैसेजेस थे. नो वन नोज हु रियली सेंड द मीन मैसेजेस, राइट. तो अब आपको ये फाइनलाइज करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का रिएक्शन दोगे. आप स्क्रीन के ऊपर एक इंडेक्स देख रहे हैं, राइट. आपको अपना एक रिएक्शन देना है इन 5 कंडीशन में. आप चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. आपको ये समझ में आ गया अपस्टैंडर कौन है, बाईस्टैंडर कौन है. अपस्टैंडर वो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, बाईस्टैंडर वो लोग हैं जो न्यूट्रल रहते हैं. ओके, नाउ फील सैड, यू फील सैड फॉर रिया बट डू नथिंग because no one knows who sent the mean messages. इस केस में आपको क्या लगता है ये किस तरह का बिहेवियर है, ये जो रिएक्शन है कि आपको पता है
कि रिया का जो मैसेज गया था वो गलत था, बट आपको नहीं पता कि किसने किया। आपको बुरा लग रहा है रिया के साथ में कि रिया के साथ में गलत हुआ, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो ये किस तरीके का बिहेवियर है, ये किस तरह का रिएक्शन है आपके अकॉर्डिंग, ये अप स्टैंडर है कि बाई स्टैंडर है? यू नीड टू मेंशन इन द चैट सेक्शन, प्लीज मेंशन। अनन प्लीज चेक कितने हमारे पास में अप स्टैंडर के आंसर्स आते हैं, कितने बाई स्टैंडर के, प्लीज टेल मी द नंबर। Yeah, okay, Shibam, we'll wait for the responses. Teachers, chat में आपको mention करना है upstander और bystander. So we are giving this particular activity to self-assessment. आप लोगों को ये identify करना है, ये पांच conditions हैं. We'll send these five conditions in the WhatsApp group as well. आप इसको एक case study ले सकते हैं and आप इसको identify करके and fill करके भेज सकते हैं, right? You just need to mark upstander or bystander and you need to share in the WhatsApp group. कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके का रिएक्शन होना चाहिए आपका। विल शेयर इट दिस पर्टिकुलर स्लाइड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां पे इसका रिएक्शन दे सकते हो। ओके एक बहुत बड़ा पेंडेमिक, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ में हो सकती है अगर हमारे बारे में गलत न्यूज बाहर हो आ जाए, फेक न्यूज। आपने देखा होगा बहुत बार फेक न्यूजेस आ जाती है और लोग, क्योंकि वो वायरल हो चुकी, लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। इसकी वजह से लोग ट्रामा में भी आ जाते हैं, इमोशनली भी बहुत ज्यादा बर्डन्स आ जाता है, बहुत लोगों की लाइफ स्पॉयल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फेक न्यूज, राइट? सो वी शुड अवॉइड सच फेक न्यूजेस। आपने देखा होगा लोगों को बस क्लिक्स, कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए वो टेम्पटिंग मैसेजेस या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थंबनेल में डाल देंगे। आप वीडियोस पे या न्यूज पे क्लिक करोगे, आप चेक करोगे, फॉर एग्जांपल आई कांट बिलीव इट, शॉकिंग, एपिक, माइंड ब्लोइंग, ये सारे कीवर्ड्स यूज करके कुछ पोस्ट बनाई जाती है ताकि आप उन चीजों पे बिलीव करो और आप ओपन करके देखो कि अच्छा क्या है, क्यूरियोसिटी से। और उनसे होता क्या है कि नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ते हैं और लोगों को बेनिफिट मिलते हैं, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिक्स दे डू ऑल दीज स्टफ्स। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, डू नॉट बिलीव इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, एक्ट स्मार्ट एंड डू नॉट बिलीव ऑन फेक न्यूज। फेक न्यूज भी तीन तरह की होती है, एक होती है जिसमें स्टोरी ही फेक है पूरी, फॉल्स स्टोरीज, दूसरी होती है जिसमें आधा सच छुपा लिया जाता है और आधा झूठ दिखाया जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आधा बोला जाएगा जिससे उसका मीनिंग कुछ और निकले और आपको ये बता दिया जाएगा और किसी के अगेंस्ट कर दिया जाएगा, राइट? सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये भी साइबर बुलिंग का पार्ट है कि फेक न्यूज किसी के बारे में आपने फ्लोट कर दी और आधा सच बताया, तो वी शुड अवॉइड सच थिंग्स। वी शुड चेक कि क्या सोर्स है, क्या रियलिटी है, एंड देन ओनली वी नीड टू बिलीव। एंड थर्ड इज क्लिकेबल, क्लिक बेट। आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे टेम्पटिंग मैसेजेस आपको दिखाए जाते हैं जहां पे अगर कोई पर्सन कोई भी न्यूज देख रहा है ऑटोमेटिकली वो उन पे क्लिक कर लेगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू फेक न्यूज एंड ऑल। Now we are showing you the incident reporting portal, NCCRP, National Cyber Crime Reporting Portal. You can take a screenshot of this particular slide. Kabhi bhi koi bhi incident report karna hai, you can go to this platform and you can report without any hesitation, without any problem. They'll file your complaint. Jaise aapke saath mein mobile chori hota hai ya koi bhi chori hoti hai, koi bhi crime hota hai, aap
पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाते हो, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम रिलेटेड रिपोर्ट्स यहाँ पे पोर्टल पे लिखे जाते हैं, यू विल गेट FIR एंड यू कैन सबमिट इट टू द बैंक एंड यू कैन आस्क फॉर द रिफंड्स एज वेल। अगर उस केस में रिफंड्स आ रहे होंगे तो वो FIR के बेसिस पे ही बैंक एक्शन लेगा। तो इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। वी विल शेयर द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, सो प्लीज टेक केयर। यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज, वुमेन प्रोटेक्शन, उससे रिलेटेड भी हेल्प की जाती है। वुमेन्स एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं उन केस में अगर उन लोगों को अगर अपनी आइडेंटिटी छुपानी है तो वो ये भी कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के एज ए अनोनमस वो अपनी कंप्लेन की कर सकते हैं। एक्शन फिर भी लिया जाएगा जो भी कल्पेट होगा, बट इन सच केसेस दे विल गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। So these are the things, and this is the conclusion of our PPT. This is the conclusion of our whole entire session. Who made it? What is the source? Where did it came from? Why are you sharing this? When was it published? Always ask who, what, where, why, and when. If you'll get these answers, then only proceed. This is very, very important and we can say the act. You should use these questions very fluently when you are using the internet, when you are getting the malicious calls. Always ask these queries. Okay. With that, we are ending this session over here. Thanks to you all. Please ask your queries in the chat section so we can clear your doubts related to all these stuff. Anand, please go to the chat section so we can resolve the queries. Yeah, so the feedback form is given, so kindly fill the form for attendance and feedback. All the teachers, we are requesting you to fill the feedback form. Please respond on the chat section if you have any queries, if you have any questions. We are happy to help you. In the future also we'll conduct few more training sessions, and we are really very thankful to the Department of Education for conducting such trainings for you so we can make you aware about the things. And it's very important, you should make your student aware about all these things, right? Yes. Any questions, if you have, then please ask. Those who are not added in the WhatsApp group, they can go to the circular and the mail which came from the department. If you'll go to the Google form, you'll get the WhatsApp group link over there. And with the WhatsApp group link, you can get added. Somnath sir, I can see you have written that you are not able to join the WhatsApp group. So you can go to the Google form which float by us. Aap us Google form pe jayenge to aapko WhatsApp link mil jayega. Any other doubts, teachers? No doubts? Anand, please check. Yeah, no doubts. Have any queries? No. Okay, great. So we are ending this session over here. Thank you everyone. Please fill the attendance sheet so we can track how many users attended the session. Thank you everyone. Those who already filled the Google form and the feedback form, they can leave the meeting. Thanks to you all. Thank you, teachers. Thank you showing interest in the session. If wrongly any child click the link, then how I can be free from any kind of phishing? So sir, agar bacche se koi galti ho gayi ya kisi ne bhi galti se link click kar diya, always try to first close the internet, then check for the harmful files. If there are any, then try to remove them or clear your history.
these are the three practices you should do whenever you will click on a suspicious link. Thank you, teachers. We are ending this meeting. If you have any queries, you can publish in the WhatsApp group as well. And please join the IBM Skills Build platform. Very soon, we'll send you the mails. If you haven't filled the Google form, try to fill it so we can give you the access. Thank you.